बॉक्स बार्सिलोना नाम की एक हॉरर फिल्म सर्वाइवल मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है हिंदी में। ये 2018 की बर्ड बॉक्स मूवी का सीक्वल है, पर इसमें कहानी नई है, नए लोग हैं और साथ ही नया शहर है यानी बार्सिलोना में। 2018 वाली बर्ड बॉक्स बहुत अच्छी मूवी थी, पर क्या ये सीक्वल अच्छा है या नहीं जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तो जिन लोगों ने 2018 वाली मूवी नहीं देखी तो मैं थोड़ी समरी बता देता हूं, जिससे आपको ये मूवी देखने में अच्छे से समझ आएगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि शहर में लोग मर रहे हैं ऐसी घातक बीमारी से जो बर्ड्स को देखने से लगती है। वो आपको एक ऐसे वश में कर लेती है कि आप खुद ही सुसाइड कर लोगे, इसलिए जितने भी सर्वाइवल लोग बचे हैं वो आंखों पर पट्टी बांधकर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस मूवी में आपको यही कहानी देखने को मिलती है, पर वही नए तरीके के साथ, मतलब न्यू ऑडियंस को समझने में दिक्कत होगी, जो इस मूवी का प्लस पॉइंट भी है। इस मूवी में सेबेस्टियन नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो अपनी बेटी के साथ सर्वाइव कर रहा है और ऐसे ही वो बहुत लोगों से मिलता है। पर मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो सेबेस्टियन हमसे छुपाता है, और क्या वो बच पाता है या नहीं यही देखना है। तो बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी के स्टार्ट होने से 20 मिनट तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आखिर वो बीमारी क्या है जिससे लोग छुप रहे हैं, खास करके जिन लोगों ने 2018 वाली मूवी नहीं देखी, जो अच्छी बात है। पर उसके बाद आपको एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जो आपके हीरो की छवि बदल देगा और आप सोच में पड़ जाओगे आखिर हीरो ने ऐसा क्यों किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप मूवी देखकर समझ जाएंगे, पर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। पर हो सकता है कि तब तक आप मूवी को बीच में ही छोड़ दे, क्योंकि मूवी की स्टोरी अच्छी है पर स्क्रीन प्ले डल है और बोरिंग करने लगता है और बहुत ही धीमा हो जाता है, जिसको कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं आता जो आपको बांधे। सिर्फ कुछ बचता है तो वो यही है कि आखिर वो चीज क्या है और हमारा हीरो ऐसा क्यों कर रहा है, जो लास्ट में अगर थोड़ा ठीक लगता है। पर इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें इस पार्ट की कहानी को कंटिन्यू रखा गया है। बाकी सिनेमेटोग्राफी मूवी की शानदार है, जिस तरह से जो सेट्स को दिखाया है या बनाया है वो काबिल तारीफ है, और विजुअल्स भी मूवी के बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कह सकते हो कि मूवी टेक्निकली एक्सपेक्ट में बढ़िया है, और म्यूजिक में आपको कुछ सुनने को नहीं मिलता और बीजीएम भी ना के बराबर ही है, जो डिसेंट सा है। और ओवरव्यू की बात करें तो अगर आप हॉरर सर्वाइवल स्लो बर्निंग मूवी देखना पसंद है तो देख सकते हो। बाकी मूवी एवरेज से गुड के बीच में है, जो कहानी अच्छी होने के बाद भी पुअर डायरेक्शन के चलते आपको बोर करती है। पेरेंटल गाइडेंस भी यही कि मूवी को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बस एक छोटा सा किस है और गाली वगैरह नहीं है। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आया।